एक सांसद वाली पार्टी के नेता ने 5 संसदीय सीट ली, क्योंकि मेरे पीछे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी, नेता जो है ना वो हमेशा कहते हैं कि मैं शेर का बेटा, निर्णय लेने के पीछे वो हिचकिचाते नहीं है। लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं है, क्या आपने भी यकीन किया है? तो आपके सारे निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं है, पर आज 5 सांसदीय की सीट पर प्रत्याशी को उतारा है। सिग्नल दे रहे थे तो रीना सिंह ने क्या आशीर्वाद दिया कि जाओ जीत के आओ? नहीं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें अभी भी मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। कह रहे हैं मोदी जय है मोदी तय, विधानसभा की तैयारी कर रहा था और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने मुझ पर एक बड़ा विश्वास दिखाया। राजनीतिक रूप से मेरे घर में परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, तो मुझे लगता है एक बड़े भाई की भूमिका में चिराग भी हमको आशीर्वाद। तो बिल्कुल एक अंदर खुशी भी थी, उत्साह भी था, और जब इस पर मोहर लग गई कि चुनाव मुझे लड़ना, तो कुछ दिन मेरे लिए भी ये विश्वास करना थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा था और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने मुझ पर एक बड़ा विश्वास दिखाया। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है, जो राजनीतिक रूप से मैं देखता हूँ कि कोई भी नौजवान यदि राजनीति में किसी अच्छे अहदे पर है तो उसको हमेशा एक इस बात की इनसिक्योरिटी रहती है कि वो किसी दूसरे अपने बराबर किसी युवा को मौका देने के पहले बहुत सोचता। हाँ, खासकर जब वो पढ़ा लिखा, बहुत तरह की बात है कि उसको लगता है कि भैया कहीं कल के डेट में ये मेरे पर हावी नहीं हो जाए या ये कल के डेट में हमको ओवरटेक नहीं करेगा। ये इनसिक्योरिटी का भाव हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के अंदर बिल्कुल नहीं। उन्होंने सारे नए चेहरों पर दाव लगाया और साथ ही साथ उन्होंने विश्वास, बड़ा विश्वास हम लोगों पर किया। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे नेता का विजन और सोच छोटा नहीं, वो दूरदर्शी सोच देखते हैं और वो इस बात को मजबूती से कहते हैं कि जब सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व नौजवान करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बिहार की छवि पहले की थी और अब जो बिहार की छवि होगी, वो बिहार की छवि में बहुत परिवर्तन हो, तो लोगों की सोच, लोगों का विजन बदले, उनका परसेप्शन बदले बिहार को लेकर, उस पर उन्होंने बहुत माइन्यूटली सोचकर बड़ा निर्णय लिया है। और हमारे नेता जो है ना वो हमेशा कहते हैं कि मैं शेर का बेटा, निर्णय लेने के पीछे वो हिचकिचाते नहीं। उन्होंने निर्णय लिया, अब लोग उस पर जो टीका टिप्पणी करें, जो वाद विवाद करें, उससे उनको कोई, वो बड़े से बड़ा संघर्ष उन्होंने देख लिया। बिल्कुल, 3 सांसद थे, पूरी पार्टी टूट चुकी थी, एक अकेले पार्टी के लौटे सांसद थे, लोगों ने कह दिया पार्टी खत्म हो जाएगी, वहां से पार्टी को वापस से रिबैक किया। एक सांसद वाली पार्टी के नेता ने 5 संसदीय की सीट ली और आज 5 संसदीय की सीट पर प्रत्याशी को उतारा है, और उतने ही जितने हम लोग आश्वस्त हैं उससे ज्यादा वो आश्वस्त हैं। और डे टू डे की मॉनिटरिंग में ना केवल हम लोग को मोटिवेट करते हैं बल्कि राजनीतिक रूप से आने वाली परेशानियां क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से एक बड़े भाई की भूमिका जो होती है वो बिल्कुल निभा रहे हैं। राजनीतिक रूप से मेरे घर में परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, तो मुझे लगता है एक बड़े भाई की भूमिका में चिराग भी हमको आशीर्वाद। जब सिग्नल दे रहे थे तो रीना सिंह ने क्या आशीर्वाद दिया कि जाओ जीत के आओ? नहीं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल माँ की तरह उन्होंने सम्मान भी दिया, प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, और इस बात को भी कहा सिंबल देने के बाद कि हम चाहते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी जीत कर आइए और ना केवल पार्टी बल्कि बिहार के हित की आवाज को सदन में मजबूती से रखिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग के लिए सारे स्टेटमेंट बहुत अविश्वसनीय जैसे स्टेटमेंट है कि मैं ये सब, मुझे ये मौका मिल रहा है, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने वाले लोगों को भी मिल सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि सारी चीजें अभी भी मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन अब जब मौका ऊपर वाले ने दिया है तो हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो माता पिता पत्नी इन लोगों का साथ कैसे मिल रहा है, बच्चे जो लगातार अपने पापा को मिस कर रहे हैं क्योंकि पापा तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक बाहर ही रहते हैं? नहीं, मतलब वो भी समझ रहे हैं इस बात को और परिवार के लोगों में बहुत खुशी है। माँ के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत होती है, टेलीफोन से बात होती है, परिवार के सभी लोगों से सलाह मशवरा होता ही है और हर दिन लोग अपडेट करते रहते हैं जिनकी जो भूमिका है वो निर्धारित है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा होती है कि वो सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है बेटा, उस पर ये देखना, फादर भी बताते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो मैं उनके स्तर से भी समझता हूँ कि उनके अंदर की खुशी क्या है, उनके अंदर का उत्साह क्या है या उनके अंदर का घबराहट क्या है, तो सारी बातों को मैं समझ रहा हूँ और उनको मैं बहुत हद तक
बहुत शांत, बहुत काम और बहुत उनके अंदर मैं एक धैर्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर के लिए हो रही है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो हम लोग उस पर मजबूती से काम करेंगे, हमारे नेता के विश्वास पर उतरेंगे, आम आवाम के आशीर्वाद के विश्वास पर उतरेंगे और बेहतर बिहार के निर्माण की कल्पना में एक सहयोग करेंगे। राजीव जी, आगे के मेरे दो तीन सवाल है आपके लिए। चुनौती इस बात को लेकर भी है कि खगड़िया स्वर्गीय रामविलास पासवान का जन्म दिन है, तो यहाँ से आपको न जीतना है बल्कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना है ताकि चिराग पासवान को लग सके कि जिस युवा पे हमने भरोसा किया, जिस भाई पे हमने भरोसा किया, उस भरोसे पर आप इसमें खड़ा हो। जी, मुझे लगता है कि मैं भी उसको बहुत चुनौती की तरह ले रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास किया तो चुनौती भी उतनी बड़ी है। और इसीलिए हम लोग सुबह 6 से रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप हम लोग क्षेत्र में हैं और अभी क्षेत्र में जाने के बाद लोगों का जो प्यार और समर्थन मिलता है तो वो समर्थन और प्यार ही अपने आप में ग्लूकोज का काम कर रहा है, जहां थकान बिल्कुल नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि वो समर्थन, वो प्यार, वो आशीर्वाद हम लोग लगातार लोगों के बीच लेते रहेंगे। और वही बात आती है कि जब आपको इतना प्यार और सम्मान मिलता है तो बिल्कुल आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो सम्मान और प्यार कभी कम हो, और कभी कम नहीं हो इसके लिए आपको निरंतर उनके लिए काम करते रहने की जरूरत है, जो हम लोग करने का काम करें। अच्छा, जब हम जनता के बीच में लोग कह रहे हैं मोदी जय है मोदी तय है, उसके बाद चिराग युवा है उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोगों की नाराजगी मुझे देखी वो नीतीश कुमार को लेकर देखी, क्योंकि लोगों का कहना था कि स्थिरता नहीं है नीतीश कुमार में, जिताएंगे, मोदी के उम्मीदवार है, मोदी के साथ है तो जीत तय है, लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं है। क्या आपने भी ये फील किया है? देखिए, जब आप राजनीति करते हैं तो आपके सारे निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं है। आपसे 100 अगर आपने निर्णय लिए तो आपसे 60-70 निर्णय सही हो सकते, 30 गलत होना ही होना, और वो गलत राजनीति जो है वो उसमें कब कहां क्या संभावनाएं बन जाए और कब क्या निर्णय लेना पड़े उसमें सिर्फ आप अपने अकेले हित को देखते नहीं है, उसमें आप पूरे राजनीतिक पार्टी को देखते हुए निर्णय लेते हैं, आप प्रदेश भर के निर्णय को देखकर निर्णय लेते हैं, आप देश भर की सोच को देखते हुए निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सबके साथ कमोबेश राजनीति में उतार चढ़ाव एक उसका पार्ट रहा है, लेकिन इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता है कि 2005 वाला बिहार और 2005 के बाद आज 2024 वाला बिहार, उसमें जमीन और आसमान का यदि फासला है तो उस फासले को करने का काम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, वो कोई झुठला नहीं सकता। चलिए, आप खुद बिजनेसमैन हैं, खगड़िया में कैसे उद्योग डेवलप करेंगे ताकि खगड़िया वासी वो बाहर ना जा सके? मुझे लगता है इस बात को लगता नहीं बल्कि मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर कारखाने लगाए जा सके, क्योंकि कोई भी कारखाने को लगाने के पीछे का जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रॉ मटेरियल का, और वो रॉ मटेरियल आपके ही जिले में उपलब्ध है और वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर आप इथेनॉल का प्लांट लगा सकते हैं, यहाँ पर आप मक्के के उत्पाद को लेकर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, यहाँ पर आप दूध का बहुत उत्पाद है तो यहाँ आप डेयरी का काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप केले का बहुत उत्पाद है, यहाँ मछली, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर है और ये उद्योग यहाँ लगेंगे। अगर इसी उद्योग को लगाने की कल्पना परिकल्पना जो है हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने की थी, जो प्रिंसटन फूड पार्क का यहाँ पर उद्घाटन उन्होंने अपने जीते जी रहकर यहाँ किया था, जो कहीं ना कहीं अधूरा है। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी अगर मैं उसको चालू कर पाऊँ और ज्यादा उद्योग यहाँ लगाकर स्थानीय युवाओं को रोजगार दे पाने में यदि सक्षम हो पाऊँ, और इसके लिए मैं ये बात बहुत मजबूती से और कॉन्फिडेंस से तभी कह पाता हूँ क्योंकि मेरे पीछे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी, क्योंकि मेरे पीछे मैं नेता से ज्यादा एक बड़े भाई की भूमिका में उनको देखता हूँ, मैं अपने ऊपर जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ और प्रधानमंत्री जी के विजन को देखता हूँ। जब नितिन गडकरी जी को आप जानते हैं, वो क्या उन्होंने जब NH बनाने का काम किया तो सिर्फ जहां पर सरकारें रही वहां बनाया क्या, जहां सरकारें नहीं रही वहां भी बनाने का काम किया, तो सरकार पूरी तरीके से कॉपरेट करने के लिए तैयार है। जरूरत है आपको आपकी रिक्वायरमेंट और मांग को मजबूती से वहां तक रखने की, जो हम लोग रखकर
पूरा विश्वास है कि पूरा कराने का काम करें। चलिए हमारे साथ राजेश वर्मा थे, और सिंबल मिलने के बाद क्या कहा चिराग पासवान ने, क्या आशीर्वाद दिया रीना पासवान ने, और स्वर्गीय रामविलास पासवान डिग्री जिले खगड़िया से के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, उनका विजन क्या है, उसको लेकर हमने बातचीत की।